आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 10 नवंबर की ईश्वर वरदान की। परमपिता परमात्मा हमें सारे राज बता देते हैं। कहा जाता है कि एंड ऑफ डेज या अंत के समय में हमें सारे राज पता चल जाएंगे। सो बाइबल में कहा गया है रेवलेशन का टाइम। और अगर देखें आप मुस्लिम धर्म के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, कयामत का समय, अंतिम समय। और अगर आप बाकी धर्मों के हिसाब से देखें, मायन रिलीजन के हिसाब से, मायन ट्रेडिशन के हिसाब से भी एंड ऑफ डेज का टाइम बताया गया है। पैकेट में खाने मिलेंगे, आप जो रोड्स होंगे उसके ऊपर बड़ी बड़ी ऐसे कुछ चीज़ें दौड़ेंगी उसके ऊपर, रोड्स ऐसे पाथवेज होंगे, उसके बारे में बताया गया है। और चारों तरफ से आपको सिर्फ वॉर की आवाज़ आएगी, आपको चारों तरफ से बीमारियों की आवाज़ आएगी, लड़ाई झगड़े की आवाज़ आएगी, धर्म धर्म से लड़ेगा, भाई भाई से लड़ेगा, हो रहा है सब कुछ। तो वो समय जो होता है वो सारी दुनिया का एक ही टाइम पे आने वाला है, जिसको कहते हैं कि वर्ल्ड ड्रामा चेंज हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा है द टाइम ऑफ एक्वेरियस इज कमिंग, कुछ लोग कहते हैं द टाइम ऑफ स्कॉर्पियो इज कमिंग, कुछ कहते हैं कि न्यू वेव इज कमिंग, कुछ लोग कहते हैं कि न्यू युग इज कमिंग, न्यू एज इज कमिंग। हम उस नई एज में एंटर करने वाले हैं। अब जो नई एज में एंटर करने के लिए हमें भी तो नया बनना पड़ेगा कि हम ऐसे एंटर कर जाएंगे, नहीं। उसके परमात्मा पिता हमें आकर के इस न्यू एज में जाने का रास्ता बताते हैं। इसको कहा गया है क्रिश्चियनिटी में रेवलेशंस, दैट मींस अ टाइम व्हेन गॉड कम्स टू रिवील कि मैं कौन हूँ, मैंने ड्रामा कैसे बनाया है, स्वर्ग कैसे जाते हैं, नर्क कैसे जाते हैं। क्योंकि आज हर एक धर्म ने अपना अपना स्वर्ग, अपना अपना नर्क बना कर रखा हुआ है, लेकिन परमात्मा के हिसाब से स्वर्ग एक ही है और नर्क एक ही है। तो वो स्वर्ग क्या है, वो नर्क क्या है, वो कैसे है ड्रामा में, सारे चक्कर में कैसे आता है, वो सारी चीज़ें आपको ब्रह्म कुमारी इसमें रेवलेशंस के तरीके से समझाई जाती हैं। हाँ जी, अभी रेवलेशंस का टाइम चल रहा है क्रिश्चियनिटी बाइबल के हिसाब से, और ये टाइम स्टार्ट हुआ 1937 से। सो 1937 से ये टाइम जब स्टार्ट हो चुका है, और आज का समय अगर आप देखें 2022, बहुत समय बीत चुका है, ऑलमोस्ट 85 ईयर्स। यस, 85 ईयर्स हो चुके हैं रेवलेशन के, कि कब हमारा ये ट्रांजिशन होने वाला है और कैसे ट्रांजिशन होना है और हमें क्या तैयारी करनी है, ये चीज़ें बताई जा रही हर दिन। और वो जो डिटेल आती है जिसको हम कहते हैं भगवान वाच कहें अगर आप, या कहें गॉडली वर्जन्स कहें, या गॉडली गाइडेंस कहें, परमात्मा के महावाक्य कहें, वो सब कुछ आते हैं द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, जिसको कहा जाता है मुरली। मुरली मतलब कि वो बांसुरी नहीं, मुरली मतलब कि स्वीट ट्यून, बहुत मधुर ट्यून, जो कि कानों के लिए नहीं, सिर्फ आत्मा के लिए, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं अगर नर्क को स्वर्ग बनाऊंगा, अगर मैं कलयुग को सतयुग बनाऊंगा, तो मुझे उसमें ऐसी आत्माएं डालनी है जो कि मैं पैदा तो नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा हमारा जरा विनाशी है। ऐसी आत्माएं, महान आत्माएं, देव आत्माएं डालनी है जो कि पवित्र बनने के लिए तैयार हों। तो उनको वो ज्ञान देना पड़ता है, वो ज्ञान दे करके वो अपवित्र आत्मा को पवित्र बनाते हैं और उनके द्वारा नर्क को खत्म करवा करके स्वर्ग बनवाते हैं। तो उसको कहा जाता है मुरली। मुरली के बारे में आज हम समझेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है। ये ब्रह्म कुमारी में ही सुनने के लिए मिलती है, लेकिन ये कोई म्यूजिक ट्यून नहीं है, ये ज्ञान का ट्यून है जो कि आपके मन के लिए बहुत सुंदर है। तो परमात्मा कहते हैं कि हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव सर्टिफिकेट मिलता है ना। परमात्मा भी तो हमें सर्टिफिकेट देंगे, पासपोर्ट देंगे। अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट जो होता है वो इतनी मुश्किल से मिलता है। आपको क्या लगता है स्वर्ग जाना बड़ा आसान है? यहाँ थोड़े से मैंने अगर मंत्र पढ़ लिए, थोड़े से मैंने मंत्र रट लिया और थोड़ा सा मैंने कुछ बोल दिया और अंतिम समय में ही बोल दिया और हो गया, स्वर्ग चला गया। यार सिर्फ मरना पड़ता है स्वर्ग जाने के लिए। आज तो हर कोई जो भी डेथ जिसकी भी होती है उसका तो लिखा होता है स्वर्गवासी। इतना आसान है हर किसका मतलब स्वर्ग में पहुंच रहा है? अगर हर कोई स्वर्ग में पहुंच रहा है तो फिर किस टाइप की पर्सनैलिटी स्वर्ग में पहुंच रही है? वो कैसे थे व्यक्ति स्वर्ग में पहुंच रहे, क्या वो उसमें जाने लायक है? ये सब कुछ मुरली में बताया जाता है कि आप जाने लायक हैं कि नहीं है, कि आपके अंदर वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी है, कि आपके अंदर वो पवित्रता, आपके अंदर वो पाक गुण है, कि आप खालसा हैं, खालसा मतलब पवित्र है कि नहीं। तो ये सारी चीजें बताई जाती है मुरली में, और ये पासपोर्ट देने वाले केवल परमपिता परमात्मा। डेथ सर्टिफिकेट कोई पासपोर्ट नहीं है कि हर कोई स्वर्ग में चला गया, कोई गारंटी नहीं है। और अभी स्वर्ग तो बना ही नहीं है जो कि स्वर्ग में जाएगा। ये सारी चीजें रिवील होती हैं ब्रह्म कुमारी में कि स्वर्ग तो बना ही नहीं जो कि स्वर्ग में जाएगा। काफी सारे लोगों ने जहां से हम आए हैं उसी को स्वर्ग मान लिया है। वो तो कपड़े उतार करके, ये शरीर रूपी कपड़े उतार करके वापस रिटायरमेंट में जाने की जगह है, ना कि स्वर्ग है।
सूर्य इस दुनिया में था और नर राज इस दुनिया में है, ये सारे राज यही सिखाए जाते हैं मुरली में जो कि हम हर दिन पढ़ते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। ये तो मन क्या करता है, कलयुग में खाली खाली चीजें सोचता है, और मुरली क्या करती है, वो कालकपन को मिटा देती है और अच्छी अच्छी चीजें सुनाती है। मुरली की कोई भी पॉइंट, देखो पॉइंट बांसुरी में नहीं आती, पॉइंट पॉइंट मतलब ज्ञान की पॉइंट, पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। व्यर्थ में क्या आता है, हाई क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ करेगा, मेरे साथ क्यों हुआ। मुरली में ये भी बताया जाता है कि आपके साथ जो हो रहा है आज उसका रीजन क्या है, आगे आप जो करोगे उसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मेंटल इमोशनल हेल्थ पर भी कैसे पड़ेगा, ये सारी डिटेल्स बताया जाता है। परमात्मा तो हाईएस्ट पॉलिटिशियन है, परमात्मा तो हाईएस्ट रिलीजियस फिगर है, परमात्मा तो हाईएस्ट साइंटिस्ट है, परमात्मा तो हाईएस्ट फिलोसोफर है, परमात्मा तो इन सारे जितने भी आपको इस दुनिया में क्वालिफिकेशन है उनका पिता है, इज द फादर ऑफ ऑल द एजुकेशन ऑन दिस वर्ल्ड स्पेशली स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो मुरली क्या है, मुरली वो सब चीजों का संगठन है। जब परमात्मा पॉलिटिक्स के बारे में भी बताते हैं कि फ्यूचर की पॉलिटिक्स, स्वर्ग की पॉलिटिक्स कैसे होती है, नर की पॉलिटिक्स और स्वर्ग की पॉलिटिक्स में क्या फर्क है, ये भी बताया जाता है। वहाँ का वेदर, वहाँ का वातावरण, वहाँ के खान पान स्वर्ग के और नर के खान पान में क्या अंतर है, ये भी बताया जाता है मुरली में। तो आप सोचिए क्या क्या कवर किया जाता होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो, व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, कि आप पॉइंट्स जो परमात्मा के दिए हुए पॉइंट्स हैं उनको आप मनन चिंतन करते रहो दिन भर मेडिटेशन के द्वारा, और बोलो भी उन्हीं चीज़ों के बारे में और कर्म भी उन्हीं के हिसाब से करो जो गाइडेंस दी जाती है मुरली में, ताकि आपके व्यर्थ संकल्प ना आए, वेस्ट थॉट्स ना आए, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो पाएंगे। फाइनल पेपर तो हर किसी का आएगा, कयामत का समय का है, क्लिप्स का है, आप चाहे वो एंड ऑफ डेज का है, वो हर किसी का आएगा। लेकिन उस समय क्या याद आता है, परमात्मा याद आता है कि दुनिया की चीज़ें याद आती है, वो होगा फाइनल पेपर। वही डिसाइड करेगा कि हम परमात्मा को याद करते हुए स्वर्ग गए या हम नर्क में गए दुनिया को याद करते हुए। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। समय कौन सा, हर किसी का शरीर छोड़ने का, जिसको कहते हैं डेथ डे आना ही है, लेकिन पूरी दुनिया का डेथ डे भी है जिसको कयामत कहा जाता है, इसको एंड ऑफ डेज कहा जाता है, वो भी आना है। तो वो दुनिया का डेथ डे के लिए क्या हम तैयार हैं, वो इम्पोर्टेंट है, और वही चीज सिखाई जाती है यहाँ पर। कुछ लोग सोचते हैं कि आज जो छोड़ के चले गए हैं वो स्वर्ग पहुंच के उनको लास्ट कयामत का समय देखना नहीं पड़ेगा। सॉरी, पुनर्जन्म की चीज भी होती है जिसको कि लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म जो ले रहे हैं उनको फिर से यही पुनर्जन्म लेना पड़ रहा है, क्योंकि स्वर्ग कभी बना नहीं है अभी तक, और वो जब बनेगा तब जा करके ही स्वर्ग जाएंगे। यानी कि डेथ हो गई तो स्वर्ग पहुंच गए, ये चीज भी चैलेंज की जाती है ब्रह्म कुमारी से, कि कोई भी स्वर्गवासी नहीं हुआ है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो ब्रह्म कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जाकर के इसके बारे में समझें कि कोई भी स्वर्ग में पहुंचा नहीं है, चाहे उसको आप जितना भी न्यूज़पेपर में स्वर्गवासी सो एंड सो नहीं पहुंचा है, कोई भी डिटेल में समझाया जाता है वहां पर। और भी सेशंस जो हमारे होते हैं संडे को 5 बजे से लेकर के 6:15 बजे तक होते हैं हर संडे को सेशंस। इस बार एंग्जाइटी के ऊपर है, आप उसको आकर के सुन सकते हैं। टॉक शो होने वाला है, 3 लोग आपस में बात करने वाले हैं और उसमें से मक्खन निकलेगा, ज्ञान रूपी मक्खन, मतलब कि बहुत ताकतवर नॉलेज निकलने वाली है, आप उसको भी सुन सकते हैं। और डिटेल्स में व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ओम शांति।